प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 7 एनवायरनमेंट, जिसका मतलब होता है पर्यावरण। तो ध्यान से देखें, एक एक मीनिंग सहित मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा, बिल्कुल अलग अलग एक एक शब्द की मीनिंग बता करके ट्रांसलेट करेंगे। वी लिव इन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स होता है विश्व, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, लिव मीन्स होता है रहते हैं, वी मीन्स हम। तो क्या मतलब हुआ बच्चों, हम एक सुंदर विश्व में रहते हैं। इन मीन्स में। इसके बाद देखिए, वी हैव सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। अराउंड मीन्स चारों, अस मीन्स हमारे, वी मीन्स हम, सो मैनी, मैनी मीन्स होता है अनेक या कई, थिंग्स मीन्स चीज़ें या वस्तुएं। तो क्या मतलब हुआ, इस प्रकार हमारे चारों ओर कई अनेक चीज़ें हैं। आगे देखिए, सम ऑफ देम आर नेचुरल। सम मीन्स कुछ, देम मीन्स उनमें से, आर मीन्स हैं, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। तो क्या हुआ, उनमें से कुछ क्या हैं, प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। आगे देखिए, एंड सम आर मैन मेड। एंड मीन्स और, सम आर मैन मेड, और उनमें से कुछ मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जिसको बोलते हैं कृत्रिम। क्या बोलते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ों को कृत्रिम बोलते हैं। तो क्या कहता है, उनमें से कुछ नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, और कुछ कृत्रिम हैं। समझ में आया, अच्छा लग रहा हो तो अभी फटाफट लाइक करके अपने 4-5 दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये लेसन बहुत मज़ेदार होने वाला है, स्किप नहीं करिएगा। दीज थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड। दीज मीन्स ये, थिंग्स मीन्स चीज़ें, आर फर्दर मीन्स आगे की, क्लासिफाइड मीन्स वर्गीकृत है या बटी हुई हैं, इन टू लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मीन्स जिनमें जान होती है, जिन चीज़ों में, उसको बोलते हैं सजीव, सजीव। एंड नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव, जिनमें जान नहीं होती उन्हें निर्जीव। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, ये चीज़ें, दीज थिंग्स मतलब ये चीज़ें या ये वस्तुएँ, आर आगे की जो बटी हुई हैं, वो किस प्रकार बटी हुई हैं, इन टू लिविंग थिंग्स, सजीव में और निर्जीव में बटी हुई होती हैं। कौन सी, जो नेचुरल और मैन मेड हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव और सजीव में बटी होती हैं। आगे देखिए, आगे की वो चीज़ें कौन सी हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर एंड सॉइल। सॉइल मीन्स होता है रेत या धूल, वाटर मीन्स पानी जिसको जल भी बोलते हैं, एयर मीन्स हवा या वायु, एनिमल्स मीन्स जानवर या पशु, प्लांट्स मीन्स हुआ पौधे। ठीक, चलिए एक एक करके आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लेंगे, आपको दोबारा नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, इसके बाद देखिए, तो आगे देखिए, इतनी चीज़ें हैं। अब ये क्या करती हैं, ये चीज़ें अफेक्ट आवर लाइफ, हमारे जीवन को, आवर मीन्स हमारे, लाइफ में जीवन को अफेक्ट मीन्स प्रभावित करती हैं। कौन सी चीज़ें, पौधे, जानवर, हवा, पानी और धूल, ये सब चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए, ऑल दीज थिंग्स, अतः ये सभी चीज़ें, आर को रिलेटेड, आपस में कहीं ना कहीं संबंधित हैं। को मीन्स आपस में, रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। एंड प्ले एन, इस प्ले का मतलब खेल से नहीं है, रोल से है। आपने फिल्मों में देखा ना कि इस एक्टर ने इस रोल को प्ले किया, तो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल मीन्स ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण किरदार, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रोल मीन्स किरदार, प्ले मीन्स निभाती हैं, टू मेक आवर इन्वायरमेंट हेल्दी, हमारे पर्यावरण को, आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण को स्वस्थ बनाने में, हेल्दी, स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण किरदार निभाती हैं। वही चीज़ें जो 5 चीज़ें बताई ना, प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर और सॉइल, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं पर्यावरण को हेल्दी बनाने में। आगे देखिए, एयर इज ऑल राउंड अस। एयर मीन्स हवा, ऑल राउंड अस, हमारे चारों ओर है, बहुत सरल है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। लिव मीन्स नहीं जी सकते, विदाउट मीन्स बिना, एयर में हवा। तो समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ, हम नहीं जी सकते बिना हवा के, तो हम नहीं रह सकते बिना हवा के। ठीक, कैन मीन्स सकता। इसके बाद देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स सभी सजीव चीज़ों को, जिसमें जान होती है, सभी सजीव चीज़ों को नीड एयर टू ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स होता है सांस, नीड मीन्स आवश्यकता। तो सभी सजीव चीज़ों को हवा की आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए। ठीक, इतना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल शुद्ध सरल शब्दों बता रहा हूँ। दी एयर मीन्स हवा वी ब्रीद शुड बी फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। इस शुड बी का मतलब होता है चाहिए, क्या चाहिए। दी एयर, हवा, वी ब्रीद शुड बी फ्री, हमें जो हवा हम सांस लेते हैं वो बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, शुड बी फ्री, बिल्कुल आज़ाद होनी चाहिए, मुक्त होना चाहिए फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण या गंदगी। तो जो हवा हम सांस के जरिए लेते हैं वो बिल्कुल मुक्त होना चाहिए प्रदूषण से। क्लियर। इसके बाद देखिए, पॉल्यूटेड एयर मीन्स प्रदूषित हवा, प्रदूषित हवा केसेज मैनी डिसीजेस, मीन्स मैनी डिसीजेस, डिसीज का मतलब होता है रोग। ठीक, तो पोल्यूटेड एयर, प्रदूषित हवा कई बीमारियों, कई रोगों का कारण बनती है। केसेज मीन्स का कारण बनती है, का कारण बनना, केसेज मीन्स का कारण बनना। सच एज जैसे कि, सच एज मीन्स जैसे कि। अब बीमारी कौन कौन सी है देखिए, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, हार्ट ट्रबल मीन्स हृदय परेशानी या हृदय का कोई क्या होना, हृदय से जुड़ी हुई बीमारी होना। एंड लंग डिसीजेस, फेफड़ों से जुड़ी हुई
समस्या, ये सब चीज़ें किससे होती हैं? पॉल्यूशन से, जब आपकी प्रदूषित हवा होगी। अब हम ट्रांसलेशन थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाएंगे। लंग मीन्स होता है फेफड़े, ट्रबल मीन्स परेशानी, हर्ट मीन्स हृदय, ठीक। इसके बाद देखिए दी मेन पोल्यूटेंट्स, दी मेन पोल्यूटेंट मीन्स सबसे खास प्रदूषण जो है वो है आर स्मोक मीन्स सिगरेट पीना, सिगरेट पीना सबसे बड़ा पोल्यूशन है। डस्ट जो धूल है और पॉइजनस गैसेज हैं, जहरीली गैसें हैं, ये सबसे खास और सबसे बड़ी मतलब कि प्रदूषण है, सबसे खतरनाक प्रदूषण है। इसके देखिए दीज कम फ्रॉम फैक्ट्रीज, अब ये जो आपका डस्ट एंड पॉइजनस गैस है मीन्स धूल और जहरीली गैसेज हैं, दीज कम फ्रॉम, दीज मीन्स ये, कम मीन्स आती हैं, फ्रॉम मीन्स से, फैक्ट्रीज, मोटर व्हीकल्स, व्हीकल मीन्स होता है वाहन एंड चिमनियाँ। तो ये जो आपका डस्ट और पॉइजनस गैसेज हैं ये आती हैं फैक्ट्रियों से, मोटर वाहनों से और चिमनियों से। फैक्ट्रियों में छोटी छोटी चिमनी लगी होती है ना जो पाइप में होते हैं, और ट्रैक्टर में इनके माध्यम से आती है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक जरूर कर देंगे, लाइक से हमें ताकत मिल जाएगी और अच्छा पढ़ाने की। शेयर भी कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी लाल बटन दबाएंगे घंटे के साथ। इसके बाद देखिए ऑल लिविंग थिंग्स मीन्स सभी सजीव चीज़ों को नीड वाटर, पानी की भी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता भी होती है, बिल्कुल सही है। सो वाटर इज, वाटर इज मीन्स जल है, वाटर मीन्स जल, इज मीन्स है, ठीक। इसके बाद देखिए आगे की स्टोरी देखिए, सो द वाटर इज यूजफुल इन मैनी वेज मीन्स जल कई तरीकों से हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल मीन्स उपयोगी या प्रयोग में आता है, मैनी मीन्स अनेक, वेज मीन्स तरीकों से। अब वो तरीके कौन कौन से हैं? वी यूज वाटर, हम जल का इस्तेमाल करते हैं, फॉर मीन्स के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग नहाने, वॉशिंग धोने, एंड कुकिंग पकाने के लिए, ठीक। इतने सारे काम करते हैं हम जल के माध्यम से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। इसके बाद देखो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू, ड्यू मीन्स होता है देन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन दी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज दियर हार्मफुल केमिकल्स एंड इफ्यूलेंट्स। सो यहाँ मीनिंग देखें, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सभी औद्योगिकरण की देन है, औद्योगिकरण जिसके माध्यम है दी फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियाँ और औद्योगिक उद्योग डिस्चार्ज करते हैं, मीन निकालते हैं, दियर हार्मफुल, उनके उनके जो फैक्ट्रियाँ हैं और उद्योग हैं उनके माध्यम से क्या निकलता है, हार्मफुल मीन्स बहुत नुकसानदेह या क्षति, नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल निकलते हैं। और इफ्यूएंट्स, क्या इफ्यूएंट्स का मतलब होता है आपका, तो ध्यान से देखिए इफ्यूएंट्स मीन्स बहुत ही खतरनाक पदार्थ निकालते हैं, एंड मेक दी वाटर पोल्यूटेड, और जो मेक मीन्स बनाते हैं दी वाटर, जल को पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित जल बना देते हैं, जो जल होता है इसके कारण प्रदूषित जल बन जाता है, किसके कारण, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियों से निकलने वाले रसायन मीन्स केमिकल और रंजित जो आपके तरह तरह पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से ये वाटर आपका पोल्यूटेड वाटर, प्रदूषित जल बन जाता है। वाटर इज, वाटर इज प्रीशियस, वाटर जल कीमती है, प्रीशियस मीन्स कीमती है या बहुमूल्य है। सो वी शुड, शुड मीन्स चाहिए, सो मीन्स इसलिए, इसलिए हमें चाहिए कंजर्व द वाटर, कंजर्व मीन्स होता है संरक्षण, क्या संरक्षण, इसलिए हमें, लर्न से बना लर्न, ठीक है। व्हेन मीन्स जब, मैन मीन मनुष्य, जब मनुष्यों ने किसानी करना सीखा, फार्मिंग मीन्स किसानी, ही स्टार्टेड डिफॉरेस्टेशन, उसने थोड़े समय बाद ही डिफॉरेस्टेशन क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, मीन्स जंगलों को काटना शुरू कर दिया, स्टार्टेड मीन्स शुरू कर दिया, ठीक।